हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अभी मैं सोके उठा हूँ, सुदीप भी आ रहे तो सोके उठ चुके हैं। ऐसा मतलब अभी वो लोग रूम में ही है ऊपर ही, तो उनके पास जा रहे थे। बाकी अभी आपने हल्दी वाला व्लॉग तो देखा ही होगा, और आज उनकी दीदी की शादी है तो उसका व्लॉग भी आज ही अपलोड होना है। तो देखते हैं जल्दी, सुदीप भी और रचित अभी कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ये देखो इधर तैयारी हो रही हो भाई, ये शादी में जाना है, ये तैयार घूम रहे हैं। और यहाँ कोई भाई शादी में जाना है ना, तो कपड़ों पे प्रेस करके रख ले। वाह, अभी तो हालांकि हम ऑफिस जा रहे हैं और उसके बाद शाम को आते हैं, सब फिर शादी में जाते हैं, इसीलिए पहले से तैयारी करके रखी। हम तो अभी सोके उठे हैं, गाय दिए उठे और तैयार हो चुके हैं। लात मार के उठाया गया, उठे भी नहीं रहते। मेरी देर तक सोने की एक्चुअली आदत है। आज हल्दी वाला ब्लॉग अपलोड हो चुका है और आप लोग जो है जाइए उसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी तो रचित जा रहा पहले से शादी में, हम लोग तो शाम को जाएंगे। रचित ऑलरेडी पहुँच रहा है और अभी आप जो है रचित के साथ एंजॉय करिएगा। गाय अभी हम लोग जा रहे हैं सीतापुर शादी में, आप लोग तो जानते ही होंगे, और भैया लोग शाम को आएंगे। भाई अभी भैया ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी आइएगा भैया। हाँ, हम शाम को मिलेंगे भैया। तो गाइस अभी सामान रखा जा रहा है यहाँ पे, सामान वामान सब रख दिया था। हाँ। और गाड़ी हम लोग की आ चुकी है और जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो चलिए आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं लॉन, ये हमारे पीछे, ये अरे कहाँ गया, ये लॉन है चित्रा लॉन। चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा है अपना चित्रा लॉन। एसी हॉल है और यहाँ से होती है एंट्री, ये गेट है गाइस। और यहाँ पे देखिए हमारे मामा श्री चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे सारा लगेज रखा है जितना भी आया है, यहाँ पे सब पूजा का सामान रखा है, अलमारी रखी है। ये मंडप है और ये एक रूम है, और ये आपका हॉल जिसमें शादी होगी, जयमाला होगा, वो पूरा हॉल है। अभी लाइट नहीं जल रही तो मैं सीधे दिखा नहीं पा रहा हूँ। सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे गणेश जी हैं, जय गणपति बप्पा मोरया। और सामने स्टेज और काफ़ी बड़ा है, यहाँ तो फुल मौज होने वाली है गाइस। ये अपन लोगों का डीजे है, इधर से खाने का बाहर, इधर सब स्टार्टर्स वगैरह नहीं होते हैं। और गाइस हल्की हल्की बूंदे भी देखे पड़ना शुरू हो गई, ये देखिए गाइस। मैं क्या भाई, बारिश ना हो जाए भाई, ये देखिए। और सलाब कैसा लगा भाई? ये तो बस खाने में पड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस रचित का फोन आया था और हम लोग भी अभी निकल चुके हैं यहाँ से। रचित तो फिलहाल सुबह ही निकल गया था और हम लोग जस्ट अभी निकले हैं और जा रहे हैं। ठंड बहुत है, मौसम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जैकेट वैकेट प्रॉपरली पहन रखा है, वरना ठंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, मैं और सुदीप या दोनों लोग बाइक से जाने का प्रोग्राम बना लिया है एकदम। पहले बस से जाने का था लेकिन फिर सोचा पता नहीं बस का क्या कैसा रहेगा, कोरोना का माहौल है, अपनी गाड़ी से ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए उसी से जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए, हमें मिला कौन है, थक गए यार बाइक चलाते चलाते, बैंड बज गई बाइक से आते आते ठंड के मारे, मज़ा भी आया लेकिन हाथ पूरा एकदम ठंड हो गए। देखो इधर, स्मार्टनेस देखिए लड़की की, ओह माय गॉड। हम तो चेंज कर चुके हैं, अभी भैया चेंज करने जा रहे हैं, और इनकी देखिए हाथ बेल्ट लगा रहे हैं। ये बस बस गाइस यही देखना था, बस बाल बाल, हाँ बस 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 चलते हैं, अभी देखते हैं भैया तैयार हुए कि नहीं हुए। ये तैयार हो गए, अरे गजब, इनकी देखो ये तो बाल है बनाने लगे रही थी। तो भैया चले नीचे, देखते हैं क्या इंतजाम किया है। गाइस हम लोग एकदम रेडी होके निकल आए हैं और अभी बस बारात आती ही होगी और हम बारात का इंतजार कर रहे हैं। तब तक इसको तो भूख लग गई है रचित को, और रचित कह रहा है कि मतलब इतना रेडी जब से हो रहे थे, कपड़े पहने चेंज कर रहे थे, तभी से कह रहा भैया जल्दी चलिए भूख लगी है। सो अभी हम लोग रेडी होके आ गए हैं और देखते हैं खाने में क्या है, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या नाश्ता करते हैं। और बाकी अंशुल तो आज अभी बाल अपना फिट करके आया है, अभी नहीं करने की जरूरत उसको, सही लोग बहुत ध्यान देते हैं मेरे बालों। ये देखो क्या भूख लगी बहुत तगड़े, मतलब संतुष्टि नहीं हो रही 10 मिनट के लिए, बड़ा इंतजार कर लो। लेकिन हाँ टिक्की तो तली जा रही ना, टिक्की इसीलिए तो आप टिक्की के पास आके खड़े हो। सबसे पहले क्या खाओगे? टिक्की बनी है गाइस, टिक्की खाएं। उसके बाद
बारात आ जाएगी तब तक। फिर बताशी देखने में बताशी होंगे तो बताशी देखा बहुत। जाओ आपके लिए बन गई रेडी, खा के बताओ फिर कैसा लगा आपको। कैसा है? ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत ठीक है, मतलब अच्छी लगी। अच्छा तुम्हें के दोस्त कैसे है? अभी खाए नहीं, खाए नहीं, खा के बताओ। मतलब कितना भूख लगा है, टिक्की छूटी नहीं, बतासे के ऊपर कूद पड़े हो। आराम से खाओ, कोई बात नहीं, सब आपके लिए है, आप खा सकते हो जितना खूब खा लो, आपके लिए लाइन लगी है गोलगप्पे की। लोग टिक्की गोलगप्पे खा के आ गए हैं और अभी इस हॉल में पहुंचे हैं। यहाँ पे जयमाल का सारा डेकोरेशन किया गया है। रचित तो गायब है, कहाँ? चौमिन खा रहे थे, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई। अभी गाइस ये 15 गोलगप्पे खाया है, सबसे पहले टिक्की, फिर टोटल 15 गोलगप्पे हम लोगों ने काउंट किया है। 15 थे और क्या। अरे लो यार, और ये भाई साहब तो अपने सेल्फी में लग गए चुके हैं। अंशुल की तो खैर आदत है अपने बाल सही करवाना और फोटो खिंचवाना। इनकी स्टाइल जरा देखो खींचने की, बहुत सही। दुल्हन भी तैयार हो गई है, चलिए आपको दिखाते हैं दुल्हन। देख सकते हो ये है दुल्हन। तो भाई यहाँ पे भी तो खाना बन रहे हैं और ये लोग सर अभी रोटी बनना शुरू हुआ कि नहीं? अभी नहीं। कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा। अभी आधे घंटे बाद इनकी रोटी मिलेगी, बाकी तो नाश्ता तो चल रहा है, तैयार है, मतलब रेडी है, खाना रेडी है, हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं कैसा बना हुआ है। ये खाना आ गया है टेस्ट करने के लिए, आप लोग सब लोग टेस्ट करके बताइए अच्छा कैसा लगा खाना है। टेस्ट नहीं होता, टेस्ट। अच्छा टेस्ट होता सर, माफी चाहते सर, गलती हो गई होगी बोलने में। अरे तो आप बताइएगा टेस्ट करके कैसा है। सब लोग एक एक ही थाली में खा रहे हैं और आलू आलू गरम, मतलब कर लिया होते का, क्योंकि हम लोग तो फेवरेट है ना, आलू आलू डिश तो फेवरेट डिश है। तो गाइस अब भैया भी टले गए हैं, खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, कैसा है? अच्छा मस्त यार, मस्त मस्त, तीखा नहीं अच्छा है। बारात आ चुकी है और हम सब लोग एकदम बारात का इंतजार, सामने गेट पे खड़े हुए हैं, बस जस्ट एंट्री होने वाली है और सब लोग माला लेके खड़े हुए हैं स्वागत करने के लिए। की मम्मी भी सब एकदम इंतजार कर रही है बारात का, एकदम गेट पे खड़े होकर बस इंतजार कर रही है। बहुत सारे माला ले रखी है आप जो है, आपका हमारे भी माले हैं साथ में। अरे देखिए साथ रहे हैं सब। अरे ये अभी कुछ लोग बाकी हैं हुल्ला मचाने के लिए, अब उनके पीछे सब आ जा रहे हैं, अभी हम बाकी हैं। जो लोग आगे थे वो पीछे जा चुके हैं, पीछे वाले आगे आ रहे हैं। ये मैं हूँ, ये सबकी पार्टी है, तो यहाँ पर आपके आते अंदर ही रह जाएगी। आराम से चलिए, धीरे छोड़िएगा। अरे गाइस देखिए लोग जो हुक्का पी रहे हैं जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अबे नहीं अंशुल, गलत बात है भैया, गलत बात है। ये सब दुल्हन के साथ में रेडी हो गई है। तेरा भैया।
बहुत डांस किया, बहुत इंजॉय किया है। और रचिन ने जितना डांस किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना बहुत मस्त डांस किया अपने जो है, बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग इतना थक चुके थे, उसके बाद तो चलो खाना खा लें। तो अभी भैया और पापा बातें कर रहे हैं और दीदी और जीजू अभी खाना खा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जीजू खाना कैसा है? कैसा खाना कैसा? तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं रूम में जो हम लोग मिला हुआ है, और ये सब लोग कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि अभी बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्त किया है और हम लोगों ने बहुत मजा आया है। और इन लोग तो बहुत बुरी हालत हो गई, देखो आप एकदम मतलब होश तक नहीं तो बोल रहे, कितना जो है इतना डांस किया है, इतना जो है किए हैं, अब कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? बाय बाय पब्लिक, सुबह मिलना नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।